डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद सारी दुनिया में एक इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के रिलेशन उस पर्टिकुलर कंट्री से, जो भी जिस पर्टिकुलर कंट्री से जैसे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, कैसे रहने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया को अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम या मेजॉरिटी लोग डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए काफी कुछ पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि चाइना में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे टर्म की जो सरकार है उस पर चाइना के जो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन के स्पेशलिस्ट हैं उनका क्या कहना है। चाइना में ये जो बेसिकली अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए जिस भी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। एक गुट है, उसका ये कहना है कि अमेरिका जो है अब चाइना से रिलेशन और ज्यादा बेटर करेगा। जिस तरीके से फर्स्ट टर्म में हमें डोनाल्ड ट्रंप चाइना के थोड़े अगेंस्ट देखने को मिले थे, लेकिन अब अलग अलग तरीके की डील्स, पैक्ट्स, ट्रीटी और अग्रीमेंट चाइना के साथ साइन हो सकते हैं। लेकिन दूसरा एक गुट चाइना में वो भी है जो ये कह रहा है कि चाइना के खिलाफ बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में रशिया, इंडिया या फिर कोई और देश नहीं, लेकिन सिर्फ चाइना ही है। तो चाइना में इंटरनल लेवल पर क्या डिबेट चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की गवर्नमेंट को लेकर, और उनका क्या मानना है कि आने वाले वक्त में किस तरीके का रिलेशन रह सकता है अमेरिका और चाइना का, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग यहां पर चाइना और अमेरिका के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखें तो यहां पर पिछले कुछ दशक में चाइना की जो ग्रोथ रही है वो इमेंस लेवल पर रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से बेसिकली बने, पहली बार भी जब बने थे तो एंटी चाइना पॉलिसी थोड़ी बहुत हमें देखने को मिली थी। जो बाइडेन अपने डिसीजंस को लेकर थोड़े बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पे थे, लेकिन अब दोबारा से जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने से पहले चहल एकेडमी आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप लेकर आई है, जहां पर अगर पैसों की कमी की वजह से आप इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी एस्पिरेंट्स को यहां पर 50% ऑलमोस्ट 50% स्कॉलरशिप दी जा रही है। और चहल एकेडमी का जीएस का प्रीलिम्स मेंस का जो रिकॉर्डेड लेक्चर पहले आपको 49,999 रुपीस में मिलता था, अब आप उसे 24,999 रुपीस में एक्सेस कर सकते हैं और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को जल्द से जल्द यहां पर शुरू कर सकते हैं। तो अब जैसे ही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के इलेक्शन को जीत जाते हैं, यहां पर अलग अलग तरीके के बेसिकली डिबेट जो है हमको देखने को मिलते हैं। एक गुट चाइना का ये कह रहा है कि बड़ा ऑप्टिमिस्टिक जो बिहेवियर है वो बेसिकली रह सकता है अमेरिका का, और दूसरा बेसिकली ये कह रहा है कि शायद काफी अग्रेशन भरा भी रह सकता है। अब ये जो दो बेसिकली अलग अलग डिबेट्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहां पे जो दो प्रिवेलिंग मूड है अलग अलग चाइना के, तो एक तो हमें ये कहता है कि शायद यहां पर फैटलिस्टिक पेसिमिज्म की बात हो सकती है या फिर टेक्टिकल ऑप्टिमिज्म की बात हो सकती है यूएस और चाइना के रिलेशन को लेकर, यानी एकदम ही पॉजिटिव और एकदम ही नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। दोनों हम लोग चीजों को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले हम लोग यहां पर अगर फैटलिस्टिक पेसिमिज्म के तौर पर देखें, जो एक गुट है चाइना का, उनका यह कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफी ज्यादा बेसिकली अग्रेसिव रहने वाले हैं चाइना की तरफ, और जो टैरिफ ट्रेड या फिर इकोनॉमी पे जो बैरियर लगाना या फिर जो सैंक्शंस लगाना डोनाल्ड ट्रंप ने किया था काम 2016 से लेकर 2020 के अपने टेन्योर में, स्पेशली 2018 में, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से उसको बेसिकली कंटिन्यू कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक बैरियर्स या ट्रेड टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में लगाए थे, जो बाइडेन ने 2020 के अपने टेन्योर के बाद उसको काफी हद तक कम किया था, डिक्लाइन किया था। लेकिन एक गुट चाइना का ये कह रहा है कि वो 2018 का जो दौर है, जो एंटी चाइना पॉलिसी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था डोनाल्ड ट्रंप का, वो वापस आ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप कितने ज्यादा अग्रेसिव थे वो हमें कोविड के टाइम पे बेसिकली देखने को मिला था, क्योंकि इस पर्टिकुलर वायरस को पूरी दुनिया जो है वो कोविड वायरस कह रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार पब्लिक स्पीचेस में से चाइना वायरस के नाम से बोल रहे थे, और ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि ये वहीं से आया, और कई ऐसी पॉसिबिलिटीज भी बताई जा रही थी उनके द्वारा कि जानबूझकर बेसिकली इसको यहां पर लाया गया है। अब यहां पर जो चाइना है उसको बेसिकली एक गुट में पर्टिकुलरली ये लग रहा है कि जो टैरिफ सैंक्शन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उनकी इकोनॉमी पे
प्रॉब्लम आ सकती है। ये गुट इसीलिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में हमें अभी वैसे वैसे भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है, चाहे हम अफ्रीका की बात कर ले या फिर कुछ दिन पहले पेरू में साउथ अमेरिका में जो शैंकार पोर्ट बना था उस पर चाहे $3.5-4 billion का चाइना का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का जो पैसा है बीआरआई इनिशिएटिव के नाम पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फंसा पड़ा है और वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले होते जा रहे हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन में चल ही रहा है और इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ये अग्रेसिव सैंक्शन पॉलिसी लेकर आते हैं तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी यहां पर आ सकती है। चाइना के एक गुट का पर्टिकुलरली यहां पर ये कहना है, स्पेशली अगर हम लोग वहां के दावी नाम के एक पर्सन की बात करें जो वहां पे सिंगुआ यूनिवर्सिटी के बेसिकली एडवोकेट हैं और उन्होंने प्योर वार्निंग दी है कि ये जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार इलेक्शन हुआ है ये खतरे की घंटी है चाइना के लिए, हमें समझना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग चाइना के दूसरे गुट की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को लेकर। दूसरे गुट का बेसिकली ये कहना है कि ट्रंप अब जब दूसरी बार आए हैं तो ये बेसिकली क्या है कि चाइना के साथ अपने रिलेशन सुधारेंगे। पहले जैसे ट्रंप का एक इमेच्योर बिहेवियर रहा था इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, चाहे जो जिस तरीके का बिहेवियर उन्होंने चाइना के साथ रखा था या जिस तरीके का बिहेवियर उन्होंने ईरान के साथ रखा था, वो अब बेसिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी हमें ज्यादा मैच्योर और ज्यादा बेसिकली अचीवेबल लग रहे हैं। तो यहां पर एक गुट का तो ये कहना है कि बहुत अच्छी रहने वाली हैं चीजें। अब यहां पर एक और लेफ्टिस्ट स्कॉलर है जिनका नाम है जैंग जिकुम, इन्होंने ये कहा है कि ट्रंप की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज हो सकती है क्योंकि चाइना के बहुत सारे ऐसे एलीट मेंबर्स हैं जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़े से टिल्टेड है, उनका इस्तेमाल करके अमेरिका के साथ जो बेसिकली यहां पर रिलेशन है चाइना वो काफी अच्छी तरीके से सुधार सकता है। और ये बेसिकली गुड पूरी तरीके से एडवोकेट कर रहा है कि प्रोएक्टिव असर्टिव अप्रोच रहने वाली है ट्रंप के इस पर्टिकुलर नए एडमिनिस्ट्रेशन में। इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आने वाले दिन में किस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी, कि ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। आने वाले 1-2 साल में काफी हद तक ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, जो लोग पूरा का पूरा अपना एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस यहां पर बना के बैठे हैं उन्हें ये लग रहा है कि यूएस और चाइना में अलग अलग चीजों को लेकर पूरी तरीके से कन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन जो लोग पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं उनका ये मानना है कि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन का हो, चाहे ट्रेड का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे किसी तरीके के डिफेंस का लेन देन हो, डिफेंस इक्विपमेंट का लेन देन हो, इसमें काफी चीजें पॉजिटिव रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना से टैरिफ ट्रेड जो है हटाएंगे, सैंक्शंस बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और फिर चाइना और अमेरिका का ट्रेड बढ़ सकता है और चाइना की इकोनॉमी में जो स्लोडाउन आया है उसे चाइना कवर अप कर सकता है। ये बेसिकली इंटरनल डिवाइड जो है चाइना में पूरी तरीके से चल रहा है। खास बात यह भी है कि ये जो बेसिकली डिवाइड या डिबेट है इसके बारे में पूरी दुनिया भर को पता है और शायद डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर डिबेट के अकॉर्डिंग भी अपनी कुछ ना कुछ पॉलिसीज बना रहा होगा कि चाइना जो ऑलरेडी सोच के चल रहा है हमारे बारे में हम उसे थोड़ा सा सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं। ये इंटरनल डिबेट की नजर सिर्फ चाइना के लोकल लोगों की ही नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नजर इस पे है, क्योंकि जब यूएसए और चाइना के रिलेशन में किसी भी तरीके का ऊपर नीचे होगा तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ेगा, जापान पे भी पड़ेगा, रशिया पे भी पड़ेगा और कोरिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अब जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से हो चुकी है कि एक देश सिर्फ किसी एक ही देश का दोस्त है, ऐसा नहीं है, इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे देश एक दूसरे के साथ। दिस इज बेसिकली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और 1-2 साल में आपको जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पर नजर आ सकती है। अब एक और चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रेजिलियंस बेस्ड पॉलिसीज हैं वो एक्चुअली चाइना के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। एक गुट का ये कहना है जो पॉजिटिव वे में है, एक गुट तो ये कह रहा है कि यहां पर अमेरिका जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट कर सकता है चाइना को, लेकिन जो पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं चाइना में उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि चाइना की इकोनॉमी काफी हद तक यहां पर इंडिपेंडेंट हो सकती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग यहां पर जरूर बताइए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो ये चाइना के लिए बेसिकली पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, और अगर पॉजिटिव रहता है तो ये इंडिया के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, और अगर नेगेटिव रहता है तो किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, प्लीज इसको यहां पर बताइएगा। बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर एक असम्पशन चल रहा है इसमें आप लोग भी शामिल हो और आप लोगों को एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर समझने में मदद मिल सके। अब ये जो बेसिकली चाइना में हम लोग इंटरनल पॉलिटिकल डिविजन भी देख रहे हैं, ये बेसिकली अलग अलग तरीके के जो आइडियोलॉजीज के लोग हैं उन लोगों के भी बात करने की बात है, क्योंकि देखिए चाइना में हर कोई बेसिकली अमेरिका के अगेंस्ट ऐसा नहीं है। जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो एकदम प्योर कम्युनिस्ट है
और वो एकदम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट ही है। वो डोनाल्ड ट्रंप को हर वक्त पर यहाँ पर क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं और चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से आपको थोड़ा सा वार्निंग दे रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और चाइना में वो लोग जो थोड़ी सी एलीट कम्युनिटी में आते हैं जो कैपिटलिज्म को काफी हद तक सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मटेरियलिज्म जो किस तरीके का प्लेजर देता है वो उन्हें ऑलरेडी पता है। तो जो लोग थोड़े से कैपिटलिस्ट है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ थोड़े से टिल्टेड है वो अपनी चाइना की गवर्नमेंट को एक तरीके से अग्रेसिवली इंकरेज कर रहे हैं कि आप अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को इस बार थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच में रखिए, क्योंकि इकोनॉमी का जो स्लोडाउन है वो आप सिर्फ तभी यहां पर बेसिकली सही कर सकते हैं जब आपका ट्रेड जो है अमेरिका जैसी 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के देश के साथ यहां पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। अब यहां पर जो बेसिकली रिस्क का एस्केलेशन है वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो दोनों आइडियोलॉजीज को यहां पर ध्यान से सुन रही है। यानी कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात के लिए पूरी तरीके से रेडी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन नेगेटिव होता है तो किस तरीके से उसको टैकल करना है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन चाइना की तरफ काफी पॉजिटिव रहता है तो किस तरीके के इंकरेजमेंट से बेसिकली हमें और आगे बढ़ाना है इस पर्टिकुलर रिलेशन को। यानी कि यहां पर एक रिस्क ये भी हो सकता है कि अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके का नेगेटिव अप्रोच रखते हैं चाइना की तरफ तो चाइना भी शायद टिट फॉर टैट की पॉलिसी यहां पर लेकर आ सकता है कि चाइना भी अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन अभी की सिचुएशन में इट इज नॉट एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर चाइना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ यही है कि वो बेसिकली एक इकोनॉमी के स्लोडाउन की तरफ चल रहे हैं। प्लस चाइना के दिमाग में यह भी है कि अगर उनको ग्लोबल लीडर बनना है तो अमेरिका का सपोर्ट यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो चाहते हैं कि कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा से क्रिएट ना हो तो उसके लिए भी यहां पर अमेरिका का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड चाइना अंडर डोनाल्ड ट्रंप्स सेकेंड टर्म इज लाइकली टू बी शेप्ड बाय टू कंफ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन चाइना, पैसिविज्म एंड टैक्टिकल ऑप्टिमिज्म, डिस्कस द इंप्लिकेशंस ऑफ दीज कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स ऑन चाइनाज फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन में आपसे वही पूछा गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सरकार में तो चाइना में दो अलग अलग तरीके की डिबेट चल रहे हैं, उस पर बेसिकली आपका क्या कहना है और क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के, उसके बारे में यहां पर डिस्कस करिए। सो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के कंटिन्यू कंटेंट के लिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।